राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ से दिल्ली से जयपुर तक सियासी माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर ईडी के नोटिस का विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ भी एकजुटता दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में हर नेता इस वक्त राहुल गांधी के साथ दिखना चाहता है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्रंट रोल में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की इस मुहिम में गहलोत के फ्रंट रोल में दिखने के सियासी मायने अलग निकाले जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन से लेकर पार्टी का पक्ष रखने तक हर मोर्चे पर गहलोत की सक्रिय मौजूदगी सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। गहलोत शुरू से ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छापों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से पहले गहलोत कांग्रेस के संगठन के महासचिव के रोल में थे। ईडी विरोधी आंदोलन में गहलोत उसी पुराने रोल में नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद गहलोत की नेशनल लेवल पर कुशल रणनीतिकार और सियासी पकड़ वाले नेता की छवि बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।